नमस्ते, मैं हूं श्रेयस तलपदे और आज मैं यहां पे बैठा हूं द वन एंड ओनली दीप प्रवीण तांबे के साथ में। तो प्रवीण भाई, ये आप टेनिस से हमेशा खेला करते थे, मुंबई के अलग अलग मैदानों में टूर्नामेंट्स वगैरह वगैरह दोस्तों के साथ खेलते थे, लेकिन ये सीजन क्रिकेट, लेदर बॉल क्रिकेट आपने खेलना कब से शुरू किया? मतलब हमने सुना है कि जब ओरियंट शिपिंग में गए वहाँ पहली बार खेला था या उससे पहले भी कुछ खेला था आपने? एक्चुअली मैं लेदर बॉल ज़्यादा नहीं खेलता था, मैं टेनिस बहुत खेलता था, मगर मेरे ये दो फ्रेंड्स थे अजय कदम और संतोष देशमुख करके, तो उन्होंने मुझे एक सनी क्रिकेट क्लब ऐसा एक क्लब था उसके थ्रू मुझे मैच खेलने के लेके गए थे। तो वो मैच संगम देर में थी। अच्छा। और मैं टेनिस बहुत खेलता था और टेनिस में मैं बैटिंग भी करता था और बॉलिंग भी करता था। हाँ, मतलब टेनिस से सीधा सीजन में खेलने में थोड़ी सी प्रैक्टिस वैक्टिस लगती है, तो वैसा कुछ नहीं था डायरेक्टली? यस यस। हाँ हाँ, टेनिस से डायरेक्ट अभी आज सीजन की मैच है तो वहाँ खेलने चले गए? या खेलने चले गए, क्योंकि वही थे जैसे कैसे क्रिकेटर है तो कुछ भी खेल खेलता है ऐसे लगता है मुझे, तो खेलने गए थे। उसका एक किस्सा भी बोलता हूँ मैं आपको, तो उन्होंने मुझे मैच खेलने लेके गए थे। तो अभी टेनिस में सब लोग प्लेयर क्या करते हैं, ग्लोव्स भी नहीं रहता है हाथ में, तो हम लोग गार्ड लेते और मट्टी लगा के अपने रेडी हो जाते हैं बैट पकड़ के। तो हाथ में मिट्टी लगाते और ऐसा बैट पकड़ के ग्रिप पकड़ते हैं पूरा बैट से। तो हमारे 6-7 विकेट गए थे और अभी मैं कभी लेदर नहीं खेला था ज्यादा, तो उन्होंने मेरे को बैटिंग को भेजा क्योंकि मैं बैटिंग भी करता हूँ, उनको पता है टेनिस में, तो उधर जरूरत थी क्योंकि 20-25 रन चाहिए थे और 6-7 विकेट गए थे। तो मैं गया और अपना ग्लोव्स भी डाल के गया, पैड डाल के गया, उधर गार्ड लिया, इधर उधर देखा, बाजू की मट्टी ली और ऐसे हाथ में लगाई, तो पीछे से मेरे को हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब भी मैंने पीछे देखा तो मैं रियलाइज़ हो गया कि अरे यार, अपने हाथ में ग्लोव्स है, अभी मट्टी की जरूरत नहीं। तो सब हंस रहे थे, तो वो एक बड़ा किस्सा था एक्चुअली। अच्छा। तो ऐसी जर्नी शुरू हो गई। अच्छा, तो फिर वो आदत आपके आगे भी आपने कंटिन्यू की थी कि वो फिर नहीं? नहीं, थोड़ा क्यूरियस था मैं कि अभी यार यहाँ नहीं ग्लोव्स है हाथ में, थोड़ा कॉन्शियस हो गया क्या बोलेंगे। लेकिन गिवन अ चांस, अभी मौका मिले तो आप फिर एक बार वो ग्लोव्स में करना चाहेंगे, है ना? जरूर। बात बताइए, ये ओरियंट शिपिंग की जो मैच आपने खेली सबसे पहले, तो हमने सुना कि आप पहले कंपनी में आप एज एन एम्प्लॉय नहीं थे उस मैच में जो मैच आपने खेला था, तो वो क्या किस्सा हम जानना चाहेंगे? एक्चुअली जैसे उन्होंने मुझे मैच खिलाई थी तो उन्होंने देखा कि मैं लेदर भी अच्छा खेलता हूँ। हाँ। अच्छा फास्ट बॉलिंग भी डालता हूँ, तो उन्होंने बोले कि फास्ट, अच्छा मतलब आप पहले से स्पिन बॉलिंग नहीं करते थे? नहीं नहीं, पहले से स्पिन नहीं करता था। तो पहले आप पेस बॉलिंग या मीडियम पेस बॉलिंग? या मीडियम पेस डालता था मैं। अच्छा, और उसके बाद स्पिन बॉलिंग पे? या उसके बाद स्पिन चालू किया मैं। माइंड ब्लोइंग। तो इसके बारे में पूछेंगे, लेकिन पहले बताइए ये ओरियंट शिपिंग का एंट्री आपकी कैसे हुई थी, क्या है? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये अजय कदम और संतोष देशमुख जानते थे कि मैं खेलता हूँ, तो वो लोग भी ऐसे ही अभी शिपिंग के मैचेस होते थे, उनके शिपिंग कंपनी थी ओरियंट शिपिंग। हाँ। तो उनके शिपिंग की भी मैचेस होते थे, टाइम शील्ड भी होती थी। हाँ। तो एक टाइम शील्ड के मैच में वो बोले क्या तू खेलेगा क्या ये? हाँ। तो मेरे को क्या क्रिकेट खेलना है, तो मैं किधर भी ना नहीं बोलता था। तो नहीं नहीं खेलूंगा ना, क्यों नहीं खेलूंगा। तो उन्होंने मेरे को मैच को लेके गए और वो मैच में मेरी बॉलिंग तो अच्छी हुई मगर मैं बैटिंग में भी मैच जीता के थी। अच्छा। तो वैसे मैं एक्चुअली एम्प्लॉय नहीं था, मगर वो डायरेक्ट उन्होंने बुलाया मुझे और मैच खेलने चालू किया और मैं एक मैच खेला। प्रवीण भाई, आपने पूरी मैच खेली, मतलब बैटिंग की, बॉलिंग की, मैच जिता के दी, बट किसी को शक नहीं हुआ कि आप ओरियंट शिपिंग के एम्प्लॉय हो ही नहीं? कुछ ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, ऑब्जेक्शन तो लिया था। अच्छा। ऑब्जेक्शन लिया था कि ये एम्प्लॉय नहीं है करके। हाँ। मगर उधर से जमील साहब ने बताया, जो लेटर रेडी किया था, बोला था कि ये एम्प्लॉय है हमका, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर था, अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया सर ने, जमील बॉस ने उसी वक्त उनको लेटर दिखा दिया कि ये है एम्प्लॉई है। हाँ। और मैं मुझे भी पता उस दिन ही चला कि अरे मैं तो अभी ओरियंटशिप का एम्प्लॉई हूं। कब से जॉइन हुआ तुम्हारी कंपनी में ये? सर एक्चुअली वो पहले से ही है, बट पहले टेम्परेरी था, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ। नहीं सर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारी कंप्लेंट लिख लो आप। लेकिन सर, डिस्क्वालीफाई करने का तो कोई रीजन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि प्रवीण तांबे पिछले 6 महीने से हमारी कंपनी में ही काम कर रहा है। ये उसका अपॉइंटमेंट लेटर देख लीजिए। प्रवीण, इतनी बड़ा संगीत ला तुला, ये लेटर ना संभाल के रखने का होता है, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। सर, ही इज द ऑफिशियल एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी। प्रवीण तांबे, वेलकम टू ओरियंट।
तो प्रवीण भाई अभी एक बात बताइए कि ये क्रिकेट का इतना सारा माहौल और ये सब चल रहा था, इसके बीच में आप वैशाली जी से कब मिले, कैसे मिले? आपका मतलब क्या अफेयर था या लव मैरिज थी, क्या था वो? थोड़ा हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो इतना शर्मीला है, वो उसका अफेयर शादी वादी कैसे हुई? नहीं नहीं, अफेयर विफेयर कुछ नहीं था एक्चुअली। प्यार तो था क्रिकेट से पहले, मगर मेरी शादी तो अरेंज मैरिज ही होगी। डैडी मम्मी ने देखी या अच्छा उन्होंने देख के आया, फिर मुझे बोला एक लड़की पसंद है मुझे, तो बोला आपको पसंद है तो है, तो मैं तो बोलता नहीं नहीं आपको भी देखना पड़ेगा, उनको भी पसंद आना चाहिए। आप हमने ऐसा सुना था कि आप पहले शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, बोला नहीं नहीं क्रिकेट ही मेरा प्यार है और मुझे कुछ शादी वादी नहीं करनी है, ऐसा कुछ था। और फिर जब आपने वैशाली जी को देखा तो आप इसे दो मिनट में लट्टू हो गए थे। हाँ लट्टू तो हो गया था देखने के बाद। अच्छा, बट ऑब्वियसली उधर से भी हाँ आनी चाहिए। हाँ, और जब भी मम्मी डैडी ने देख के आए थे तो मैं मुझे कैसे था कि मैंने एक ठान लिया था कि मुझे किसी को ना बोलने का अच्छा नहीं लगता है, तो वेदर इट इज़ क्रिकेट हो या कोई लड़की को मैं जाके देख के ना नहीं बोलूँगा, ऐसा मैंने ठान लिया था। अच्छा, तो मैं बोला था मम्मी डैडी को आपको पसंद है तो मगर नहीं उनको तो पसंद आना चाहिए। और आपका गेम देख के कोई और लड़की ने अगर आपको प्रपोज कर लिया होता था तो ना नहीं बोलते आप? नहीं बोलता। मतलब वैशाली जी के साथ शादी तय हो गई, उसके बाद और किसी लड़की ने अगर आपको प्रपोज कर लिया होता बात नहीं बोलता। नहीं ऐसे कुछ नहीं था कि मुझे बहुत क्रिकेट में एक्चुअली बहुत इन्वॉल्व था। अच्छा, मगर जब ही शादी की बात हो गई एक्चुअली तो भाई मेरा एक आ गया, बोलता कि अगर ये शादी करेगा तो ही मैं करूँगा, तो ये एक था अभी। तो मम्मी डैडी बोले नहीं अभी आपको तो देखना जाना पड़ेगा, तो फिर मैंने वैशाली को देखा, तभी मुझे पसंद आ गई वो। ओके, जैसे देखा मुझे पसंद आ गई, और एक्चुअली बोल रहे हो ना मैं उनको देखने के बाद मैं उनके प्यार में पड़ा। फ्रेंड भाई एक बात बताइए, आपको जितना क्रिकेट पसंद है तो वैशाली जी को भी क्रिकेट उतना ही पसंद है, कैसा था आपका ट्यूनिंग? नहीं उसको एक्चुअली जीरो नॉलेज था क्रिकेट के बारे में, कुछ भी पता नहीं था। जीरो नॉलेज कुछ पता नहीं था, क्रिकेट क्या होते हैं, क्रिकेटर कैसे होते हैं, उसको शादी के बाद मालूम किया। मेरे पहले रहते तो मैं शादी नहीं तो एक्चुअली उसको नहीं तो मतलब एक जगह एक आपका पति पूरा ऑब्सेस्ड है क्रिकेट को लेके और वाइफ को क्रिकेट के बारे में कुछ पता भी नहीं, तो ऐसे में कभी ऐसे लड़ाई झगड़े वगैरह हुए क्रिकेट को लेके? शुरू में तो होते थे क्योंकि वो मैं छोड़ के जाता था, क्योंकि शादी नहीं हुई थी और मैं एक्चुअली शादी के बाद दो ही दिन में एक टूर्नामेंट था। शादी के दूसरे दिन? आप दूसरे दिन टूर्नामेंट खेलने चले गया? मैं रत्नागिरी यस ओरियन शिपिंग का था टूर्नामेंट, तो जाना था, तो थोड़ा मैं भी ये था कि अरे क्या करूँ कैसे करूँ, मगर मैं दोनों मतलब लोग यूजुअली तो दूसरे दिन हनीमून के लिए निकलते हैं, आप टूर्नामेंट के लिए निकल गए? टूर्नामेंट के लिए निकल गया मैं। वाह। और थोड़ा फिर वो हाँ मान एक्चुअली क्या मैं कुछ हेल्प नहीं करता, क्रिकेट की बात आती है तो आई थिंक मैं उसको भी बोलता था फर्स्ट लव इज क्रिकेट एंड सेकेंड इज यू, ऐसा उसको बोलता था मैं, तो उसको खटकता था, मगर शी अंडरस्टैंड नाउ के क्यों ऐसे बोलते थे मैं। बट हाँ झगड़ा होता था कि वो नहीं जाने देती थी मुझे, क्योंकि उसको पता नहीं था मेरे अंदर क्या चल रहा है, और उसको मुझे बताना था कि ये भी है इसके वजह से मैं हूँ, तो प्लीज़ मेरे को छोड़ो। तो होता था थोड़ा शादी के बाद ऐसे दो चार दिन पाँच छः दिन ऐसे हो गया, अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगा, बट होते थे। फाइनली टुडे शी इज़ वेरी हैप्पी। तुम्हारा अफेयर चालू है कोई? क्या? मेरा चालू है ना बहुत टाइम से, क्रिकेट, क्रिकेट इज माय फर्स्ट लव।